भाटी माइंस की संजय कॉलोनी में आपको बता दें कि खाना बनाते वक्त एलपीजी सिलेंडर में आग लग गई। राहत की बात ये रही कि ये आग ज़्यादा नहीं फैली, लेकिन आपको बता दें इस आग की वजह से इसमें 6 लोग झुलस गए। इस आग को बुझाने में वक्त रहते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुँची और उसने आग पर काबू पा लिया। तस्वीरें हम आपको भाटी माइंस के संजय कॉलोनी के दिखा रहे हैं, जब एलपीजी सिलेंडर पर खाना बनाते वक्त इसमें आग लग गई थी, लेकिन वक्त रहते इस आग को बुझाने की चपेट में आकर 6 लोग झुलस गए, जिसमें कि 2 बच्चे भी हैं। लेकिन वक्त रहते ही इसकी सूचना पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को दी और लोकल पुलिस को दी, तभी आनन फानन में यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भाटी माइंस के संजय कॉलोनी की, जहां पर आपको बता दें खाना बनाते वक्त जो एलपीजी सिलेंडर में आग लग गई थी, लेकिन राहत की बात ये रही कि इस आग पर फायर ब्रिगेड के पहुंचते इस पर काबू पा लिया गया था, लेकिन इस आग की चपेट में आने में 6 लोग जो है वो झुलसे, जिसमें कि 2 बच्चे हैं। सभी को उपचार के लिए सफदरजंग अस्पताल में भेज दिया गया है। मनोज कुमार, संजय कॉलोनी, भाटी माइंस। घर में चाउमीन बनाते समय से गैस सिलेंडर में आग लग गई थी, जिसकी वजह से 6 लोग झुलस गए, जिसमें 3 बड़े लोग हैं और 3 छोटे लोग। एक का नाम मंजूर है, दूसरा नजीरा, तीसरा दीपक और 3 बच्चे हैं जिनका नाम नहीं पता है। और मौके पर पुलिस भी पहुंच गई संजय कॉलोनी भाटी माइंस, जिसमें पवन और संजय करके 2 पुलिस वालों ने बहुत सतर्कता से जो है सिलेंडर को बुझाया और लोगों के सहयोग से आग बुझाई गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस गाड़ियाँ भी मौके पर पहुँची और उन सबको सफदरजंग भेज दिया गया है।